ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोवंडी शहर का बैगनवाड़ी इलाका इन दिनों सुर्खियों में है। अब ये मौत का अड्डा बनते जा रहा है। आखिर गोवंडी के लोग बढ़ती बीमारी से मौत के मुंह में कैसे जा रहे हैं? अगर ये सवाल आप गोवंडी के जनता से पूछेंगे तो सीधा जवाब SMS कंपनी है। ये कंपनी 2008 में खोली गई थी। इसमें अस्पताल से कूड़ा निकलने वाले जैसे ग्लव्स, मास्क, सिरिंज, ऐसी तमाम चीज़ें ये SMS कंपनी जलाती थी। मगर धीरे धीरे इस कंपनी में वेस्टेड बॉडी पार्ट यानी इंसानी अंगों को भी जलाया जाने लगा, जिसमें हाथ, पैर, लीवर, कैंसर के गांठ, ऐसी चीज़ें जलाने से जो इस कंपनी से धुआं निकल रहा है उससे गोवंडी में TB, कैंसर, अस्थमा जैसे बीमारी तेजी से फैल रही है। लोगों की बीमारी की वजह से मौत भी हो रही है। गोवंडी की जनता से बात की हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने। आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। हम खड़े हैं गोवंडी के बैगनवाड़ी परिसर में। यहीं पे SMS नामक कंपनी है। यहाँ पे बायोपार्ट्स यानी के जिस्मानी अंग जलाया जाता है। यहाँ के जो रहवासी है उन लोगों को कितनी तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम शेख और मैं यहाँ पे बैगनबाड़ी गोंडी में, यहीं पे मेरी पैदावारी हुई है। ये SMS नामक कंपनी जो है इससे आपको क्या तकलीफ है? इससे मेरे को इतनी तकलीफ है, हमारे पूरे एरिया को तकलीफ है। रात में हम लोग सोते हैं तो इतना धुआं आता है कि हम लोग के घर में खिड़की और दरवाजा बंद करने पड़ता है। इतनी तकलीफ होती है, घरों में धुआं आता है, बच्चों लोग को भी तकलीफ होती है, मुँह पे मास्क लगाने पड़ता है हम लोग को तकलीफ से। SMS कंपनी से आपको क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है मैम, ये दिन रात ये धुआं यहाँ पर जलता रहता है। आप इसमें देखेंगे, हमने कई बार पकड़ा भी है और आंखों से भी दिखा है और लोगों को भी दिखाया है। कटे हुए हाथ, पैर, फीटस जो बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पेट में, वो बच्चे की थैली और गंदे गंदे हॉस्पिटल्स की जो भी स्ट्रॉइड चीज़ें होती है वो सारे ला करके यहाँ पर जलाया जाता है, जिससे यहाँ पर गोवंडी के लोगों को 70% TB के भी मरीज हैं यहाँ पर। लोग आप देखेंगे, लोग घर में कम हॉस्पिटल में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ हम यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ की एक आम लेडीज़ जो है वो SMS कंपनी में काम भी करती थी, तो सुई चुभने की वजह से उनको HIV भी हुआ है, तो इस पर आप क्या कहोगे? मैडम वो पूरा बीमारी का घर है, जो उसमें काम करता है उनको डेली एक इंजेक्शन लगाया जाता है, मीन्स इन्फेक्शन से बचने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अब वो इंजेक्शन कितना हार्मफुल होता है उनके लिए, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह ज़्यादातर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मेडिकल दवाओं से बचो, तो उनको डेली इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उनकी लाइफ तो वैसे ही कम हो रही है। वो काम भी कर रहे हैं तो भी उनकी लाइफ कम हो रही है। यहाँ रहने वालों को तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ के लोग हॉस्पिटल में दिन रात चक्कर काट रहे हैं। साइन हॉस्पिटल देख लो, राजावाड़ी हॉस्पिटल देख लो, वहाँ पर लोग TB और कैंसर ये सबसे मर रहे हैं लोग। तो यहाँ के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? बहुत उठाया मैम आवाज़, पर ये कंपनी वाले बोलते हैं कि ये BJP लेवल से ये है। आप कोई किसी का इतने वट से बोलते हैं, किसी का बाप भी नहीं बंद करा पाएगा। तो यहाँ के अगर आवाम मरते भी रहेंगे तो इन लोगों को फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो ना कुलाबा में खोलने के लिए, बोलो कुलाबा गेटवे ऑफ इंडिया में ऐसा खोल करके दिखाए और हमारा जिंदगी भर नहीं बंद करे। SMS कंपनी जैसी यहाँ पर चल रही है कुलाबा में, दादर में, बड़े बड़े लोग जहाँ रहते हैं बैंड स्टैंड में, मन्नत बंगले के सामने खोल दे, हमारी जिंदगी भर नहीं बंद करे। और दो तीन यहाँ पर और हम से जगह ले ले सबसे और एक दो खोल दो। आप कितने साल से यहाँ पे रहती हो? यहाँ मैं 24 साल से रहती हूँ। 24 साल से आप रहती हो, तो यहाँ से जो SMS कंपनी है उसके बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ से हटाना चाहिए, हम लोग को बहुत तकलीफ है, TB की बीमारी, दमा, हाँ, हार्ट, कैंसर बहुत ज्यादा है। हाँ हम लोग दो दो तीन दिन बाद उधर डम्बिन में वो किए भूख हड़ताल, फिर बामू चारा जो गया लाठी चलो वहाँ बंद हो गए थे,
हाँ, कुछ होता नहीं है। नगर सेवक रहे, कोई भी आते खा लेते हैं, पैसा चले आते हैं। यहाँ की जो रहवासी है, हाँ, जो तिल तिल मर रहे, हाँ, उस पर नगर सेवी के प्रशासन और शासन का क्या कहना है? कुछ करते नहीं, आते सब लोग करते नहीं, कुछ बोल के जाते हैं मेरे को वोट दो, ये करूंगा, बंद कराऊंगा। क्या बंद कराए, 24 साल से देखते थे, 4 बार मैं खुद हड़ताल करी हूँ। यहाँ के प्रशासन शासन सिर्फ वोट के लिए, यहाँ के आवाम को तकलीफ नहीं दिखाई, वोट हो गया खत्म मामला। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता और समाज सेवकों ने इस कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, आवाज उठाई मगर उनकी आवाज को दबा दिया गया और उन्हें ही सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और गोविंदी के लोग आज भी इस SMS कंपनी के जहरीले धुएं से एक के बाद एक बीमारी की चपेट में है। उड़ान फाउंडेशन की अध्यक्ष सुरैया शेख इसके लिए भूख हड़ताल तक कर डाली मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उन पर ही मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं उड़ान फाउंडेशन के एडवाइजर सलीम सिद्दीकी ने बताया है कि गोविंदी के लोगों की उम्र भी अब कम होते जा रही है। WHO और टाटा इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक 39 से 42 साल की उम्र में ही ज़्यादातर मौत गोविंदी में हो रही है और ये लोग इसका जिम्मेदार SMS कंपनी को मानते हैं। वहीं उड़ान फाउंडेशन की अध्यक्ष सुरैया शेख और एडवाइजर सलीम सिद्दीकी और समाज सेवक व एडवोकेट इब्राहिम शेख से हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने बातचीत की है और SMS कंपनी के बारे में इन लोगों ने क्या जानकारी दी है। यही हमारे साथ मौजूद है उड़ान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सुरैया मैडम, आइए उनसे बात करते हैं SMS कंपनी को लेकर क्या उन्होंने आंदोलन किया है, आइए बात करते हैं। मैम, आपने जो SMS नामक कंपनी के लिए जो आंदोलन किए थे वो किस मुद्दे पर किए थे, आप बता सकते हो? देखिए, जो SMS कंपनी है, ये SMS कंपनी हमारे गोवंडी विधानसभा तालुका 171 में है, तो इसके वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। ये पिछले 2008 से ये कंपनी है, ये कंपनी के वजह से 70% लोगों को TB हो चुकी है और आप हर घर में जाओ कहीं ना कहीं आपको अस्थमा के पेशेंट मिलेंगे, कैंसर के पेशेंट मिलेंगे और TB के पेशेंट मिलेंगे। तो ये कंपनी कब से मतलब खुली है? ये कंपनी 2008 से है, ये ओपन हुई है 2008 जी। तो वहाँ के लोगों को जो तकलीफ है, परेशानी हो रही है, इस पे वहाँ के नगर सेविका या MLA ने कोई आवाज़ या कोई एक्शन नहीं किया? देखो, ये कंपनी 2008 से है, अगर इनको आवाज़ उठानी होती, यहाँ के जो आमदार है, यहाँ के आमदार 10 साल से है, 10 साल से ये जो अबू हाशिम आज़मी जो आमदार है MLA, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, मगर वो हर इलेक्शन में उनकी आवाज़ उठती विधानसभा तक और उन्होंने हर इलेक्शन में उन्होंने आवाज़ उठाया है, मगर उसके ऊपर कुछ भी SMS कंपनी बन नहीं हुई है। NGO के माध्यम से हमने SMS कंपनी का डिटेल्स निकाला, डिटेल्स निकालने के बाद पता चला कि 75% लोगों को TB है, ये SMS कंपनी के वजह से, कि ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का कचरा मीन्स कटा हुआ सर, हाथ पैर और जो मरे हुए बच्चे होते हैं यहाँ पर लाके जलाया जाता है। तो इसके वजह से जब हमको पता चला तब हम भूख हड़ताल पे बैठे, 28 घंटे तक मैं वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठी, तब जाके हमने वहाँ पे चार गाड़ियाँ पकड़ा, चारों गाड़ी में यही निकला किसी का कटा हुआ पैर, सर, हाथ, छोटे बच्चे, तो ये सब यहाँ पे लाके जलाया जाता है। तो इसके वजह से यहाँ की आवाम को बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। आपने जब भूख हड़ताल की तो इस पे किसी आश्वासन किया किसी ने या SMS कंपनी से कोई आया था? देखिए, जब मैं भूख हड़ताल पे बैठी, 28 घंटे हुए, 28 घंटे के बाद यहाँ के आमदार ने हम पर 10-10 केस लगाया, माड़ा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम आई हमको पकड़ने के लिए कि ऐसे कैसे मैडम आपने गाड़ी पकड़ के पूरे आवाम को आप बता रहे हो। अगर जब तक मैं आवाम को अगर नहीं बताती तो आवाम को पता कैसे चलता कि ये SMS कंपनी है? SMS मीन्स लोग तो सोचते कि एक मैसेज देने वाली कंपनी है, मगर
अगर ये SMS के नाम पे इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है और ऐसी बड़ी मौत की कंपनी चलाई जा रही है, और जब हम भूख हड़ताल पे बैठे तो मुझ पर, मेरी पूरी टीम पर 10-10 केस लगाया इन लोगों ने कि SMS कंपनी पे सुरैया मैडम बैठी है और ऐसे आवाम को सब कुछ बता रही है। देखियो, मेरा कहना यही है कि हम गोवंडी के हैं, हम अगर हमारे लोगों को तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ होगी। मैम, SMS नामक कंपनी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के MLA और नगर सेविका ने क्या किया? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो MLA हैं, वो यहाँ पर 10 साल से हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, आवाम को गुमराह किया है, उसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि हर एक इलेक्शन में, चाहे वो नगर सेविका इलेक्शन हो या MLA इलेक्शन हो, वो हमेशा विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं कि SMS कंपनी बंद होनी चाहिए, मगर कुछ एक्शन नहीं होता, ना ही SMS कंपनी बंद हो। उन्होंने कहा था कि 3 महीने पहले SMS कंपनी बंद हो जाएगी, हम ताला लेके जा रहे, SMS कंपनी बंद हो जाएगी। आप बताओ, अगर वो ताला लेकर जाते हैं, उनके पास पेपर्स होने चाहिए कि SMS कंपनी को ताला लगा रहे हम। आप मुझे बताओ, अगर ऑल ओवर मुंबई का कचरा मींस कैंसर की गार्ड जो भी है, कचरा यहाँ पे जो जलाते हैं, अगर तुरंत आप ऐसे ताला लेके जाओगे तो कंपनी कैसे बंद हो जाएगी? क्या आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ताला लेकर जाने के लिए? आप यहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगाते हो, आपके नगर सेवक यहाँ पे बैनर लगाते कि SMS कंपनी भाई ने बोला बंद तो बंद, ऐसे आप ना, आपके लोगों ने ऐसे आवाज उठाते, मगर ये बहुत गलत बात है। ये SMS कंपनी 2028 तक नहीं बंद होगी, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है 2028 तक का SMS कंपनी चलाने का। ओके, उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि SMS कंपनी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा है। अगर 15 दिन का वक्त मांगा है तो आप एक MLA हो, MLA होने के नाते आपको पता रहना चाहिए, अगर उसने 15 दिन का आपसे टाइम मांगा है तो वो कुछ ना कुछ प्रोसीजर करेगा। ओके, तो SMS कंपनी के जो डायरेक्टर ने, उन्होंने 15 दिन का स्टे लिया है, तो इनको कोर्ट से फाइल करना चाहिए, ये चीज इनको कोर्ट से फाइल करना चाहिए, ना कि अधिकारी के ऊपर, BMC ऑफिसर्स के ऊपर। इनकी नगर सेविका जो रुखसाना सिद्दीकी, जो मलाड से 2 बार हार चुकी है, अभी हमारे गोवंडी में वार्ड नंबर 136 में वो यहाँ की नगर सेविका है, उन्होंने क्या किया कि BMC के ऑफिसर के ऊपर उन्होंने इंक फेंका। क्या इंक फेंकने से SMS कंपनी बंद हो जाएगी? एक ऑफिसर पे इंक फेंकने की सजा क्या है? उनको 12 दिन की जेल हुई है। ये आपने आवाम के लिए नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने आवाम को गुमराह करने के लिए ये काम किया है। SMS कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ताज्जुब की बात है कि एज पर दी इन्वायरमेंटल लॉ और पोल्यूशन लॉ, दोनों से यहाँ इतनी घनी आबादी में ऐसी कंपनी खोली नहीं जा सकती है, ऐसी कंपनी प्लांट ही नहीं हो सकती है। वहाँ पे बायो वेस्ट जलाया जाता है। बायो वेस्ट का मतलब, उसमें आम लोगों को शायद नहीं समझ में आया, बायो वेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कैंसर की गांठ है वो काट कर निकाली जाती है, वो सब यहाँ जलाया जाता है, और दिन भर उसी का धुआँ इस पूरे इलाके पर गिरता है। और जो जेंट्स हैं वो तो रात में आते होंगे, सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इलाके का नाम क्या है? शिवाई, गोंडी, पूरा गोंडी, पूरे गोंडी में जाता धुआं वो जो जलाया जाता है, वो तो बैगनवाड़ी में SMS डंपिंग के बाजू में है वो, लेकिन उसका धुआं पूरे कई किलोमीटर में जाता है, वो पूरे गोंडी में जाता है। और जेंट्स तो रात में आते हैं, सोते हैं, वो सांस लेते हैं उसी में, उनको बीमारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमारे लेडीज़ को और बच्चों को है, क्योंकि दिन भर उसी में रहते हैं। इसीलिए इस इलाके में औरतों और बच्चों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, TB कैंसर की बीमारियाँ हो रही हैं। ताज्जुब की बात कि इस बार गवर्नमेंट ने यहाँ उस प्लांट को लगाने कैसे दिया और यहाँ पे उनको NOC के सिद्ध दी गई इतने नजदीक लगाने की। SMS कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो SMS के बारे में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक मौत की कंपनी है, WHO की रिपोर्ट है गोवंडी के ताल्लुक से, जहाँ ये कंपनी है, कि यहाँ के लोगों का एज एवरेज सिर्फ 39 ईयर्स है। TTS टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा TB के पेशेंट गोवंडी में है, और यहाँ के आमदार, खासदार, नगर सेविका जो भी है, जो पार्टी समाजवादी के, इन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैडम और सर ने बता दिए। ऊपर से अफसोस की बात मैं आपको बता देता हूँ, इससे भी बड़ी और एक ख़तरनाक कंपनी, एक मौत की कंपनी तो ऑलरेडी यहाँ चल रही है काफ़ी सालों से, और यहाँ के लोग मर रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर एक और मौत की कंपनी
थोप दी गई है, लाद दी गई है। मुंबई बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी में एक कंपनी और पास हो गई गोवंडी के लिए, जहां गोवंडी में लगाई जाएगी। ये कतलखाना देवनार कतलखाने में वो कंपनी लगाई जाएगी। एक और मौत की कंपनी स्टैंडिंग कमेटी में पास हो गई और बहुत जल्द शुरू होने वाली है। उस मौत की कंपनी में पूरे मुंबई के मरे हुए जानवर लाकर पर घंटा 500 किलो जलाया जाएगा। डेली 7,500 किलो मरे हुए जानवरों को लाकर जलाया जाएगा। वहीं सलीम सिद्दीकी ने बताया है कि एसएमएस कंपनी से गोवंडी में लोग बीमार हो रहे हैं, तो वहीं अब मरे हुए जानवरों को भी जलाने के लिए एक और कंपनी गोवंडी में ही खोली जा रही है। अगर ये कंपनी भी खुल गई तो गोवंडी में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि आंदोलन की वजह से 22 अगस्त को बंद होने वाली थी ये कंपनी, मगर इस कंपनी को 15 दिन का स्टे मिला हुआ है और इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2028 तक है। मगर जिस तरह से इस कंपनी से जहरीली धुआं निकल रही है, उससे गोवंडी के रहने वालों की जिंदगी अब दांव पर लगी हुई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।